हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पानी पूरी के मसालेदार तीखे और चटपटे पानी की रेसिपी। पानी पूरी हर किसी को बहुत पसंद होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पानी पूरी अच्छी लगती है। इसका पानी यदि परफेक्ट बना हो तो उसकी बात ही अलग है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप पुदीना के पत्ते लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धोकर ले लिया है और उसके बाद मैं यहाँ 1 कप धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इन्हें हम एक मिक्सर के जार में डाल लेंगे। अब मैं यहाँ 7 से 8 हरी मिर्च यूज कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से हरी मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पानी मिला रही हूँ। इसे हम पीस लेंगे अच्छे से और पीसने के बाद मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और पीसने के लिए मैंने पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर लिया था। अब मैं यहाँ 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि 5 कप पानी है। और मिक्सर में जो मसाला लगा है उसे भी हम धोकर डाल देंगे। अब मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ और 1 छोटा चम्मच काला नमक ऐड किया है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ 2 पिंच हींग डाल रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच पानी पूरी का मसाला डाल रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का मसाला यूज कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर मिला रही हूँ। अब मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच इमली का पानी मिला रही हूँ। आप इसकी जगह नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। इमली को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगा लिया था और उसका पानी निकाल लिया। आप पानी को चाहे तो ऐसे ही रखें वरना उसे छान लें, पर मैं यहाँ पानी को छान रही हूँ ताकि इसमें कोई भी टुकड़े वगैरह हैं वो सब चलने में रह जाएंगे। तो हमने पानी को छान लिया है और अब हम इसमें थोड़ी बूंदी ऐड कर देंगे जिससे पानी पूरी का पानी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए या तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए या इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए। तो मैं यहाँ कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा पानी पूरी का पानी बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 बाउल में बॉयल्ड आलू लिए हैं और बॉयल किए हुए काले चने लिए हैं। इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे और उसमें नमक और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी पानी पूरी की पूरी को क्रश करके भी डाल सकते हैं। जो ठेले वाले होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1 बाउल में मीठी चटनी भी रखी है। तो बस अब हम इसे सर्व करते हैं। थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज मिलाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ 1/4 चम्मच के करीब मीठी चटनी मिला रही हूँ और उसके बाद पानी पूरी का मसालेदार तीखा और खट्टा पानी मिलाएंगे। तो बस हमारी पानी पूरी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड, यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।